बेस्ट लैपटॉप फॉर वीडियो एडिटिंग, फोटो एडिटिंग। तो देखिए, अगर आपको एडिटिंग के लिए पावरफुल लैपटॉप चाहिए तो सही वीडियो में आ चुके हो। यहाँ पे मैं आपको ज्यादा हैवी बजट वाले लैपटॉप नहीं बताने वाला हूँ। 50,000, 60,000, 70,000, इन तीन बजट के अंदर सबसे ज्यादा लोग लैपटॉप देखते हैं वीडियो एडिटिंग, फोटो एडिटिंग के लिए, क्योंकि इसके ऊपर आप जाते हो 80,000, 90,000, 1 लाख, वहां पे आप इजिली कोई भी लैपटॉप पिक कर सकते हो जहां पे आप इजिली 4K एडिटिंग कर सकते हो। लेकिन मैं आपको ऐसे लैपटॉप बताऊंगा जहां पे आप 1080p वीडियो एडिटिंग कर सकते हो 50,000 रुपीज के रेंज में, और अगर आप 60,000 के रेंज तक जाते हो तो वहां पे आप इजिली 4K एडिटिंग अच्छे से स्मूथ कर सकते हो। तो देखिए, एडिटिंग के लिए जब हम लैपटॉप से लेकर, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है लैपटॉप से लेकर करने के पहले आप सॉफ्टवेयर कौन सा यूज करते हो एडिट करने के लिए। अगर आप फोटोशॉप यूज करते हो, प्रीमियम प्रो यूज करते हो, डावंची रिजॉल्व यूज करते हो, आफ्टर इफेक्ट यूज करते हो, तो आपको यहाँ पे मिनिमम आपको फोकसली 16GB रैम वाला लैपटॉप तो लेना ही चाहिए। सेकंड, यहाँ पे आपको प्रोसेसर बहुत ज्यादा पावरफुल चाहिए, आपको एंड सीरीज वाला प्रोसेसर ये लैपटॉप लेना है। एंड थर्ड, अगर आपको कलर ग्रेडिंग बहुत ज्यादा अगर आप करते हो तो आपको डेडिकेटेड पावरफुल ग्राफिक कार्ड वाले लैपटॉप्स के ऊपर जाना चाहिए ज्यादा इन्वेस्ट करके। तो ज्यादा मैं आपको कंफ्यूज नहीं करता हूँ, डायरेक्टली बजट के हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ कौन सा लैपटॉप ले सकते हो। अगर आपका बजट 50,000 रुपीज का है, यहाँ पे आप फोटोशॉप यूज कर सकते हो, फिल्मोरा यूज कर सकते हो, प्रीमियम प्रो भी यूज कर सकते हो, 1080p वीडियो एडिटिंग के लिए परफेक्ट लैपटॉप्स है। सबसे पहले आप ले सकते हो Asus Vivobook 16X। यहाँ पे आपको दिखेगा 16 इंचेस का बड़ा डिस्प्ले मिलेगा, प्लस यहाँ पे आपको AMD Ryzen 500 सीरीज 5600H पावरफुल प्रोसेसर मिलेगा। यहाँ पे आपको इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड मिल जाएगी AMD के, 8GB रैम है, 512GB की SSD स्टोरेज है, रैम को अपग्रेड कर सकते हो, स्टोरेज को भी अपग्रेड कर सकते हो। तो बेसिक अगर वीडियो एडिट करना है, 1080p वीडियो एडिट करना है यूट्यूब के लिए, तो आप यहाँ पे ये लैपटॉप को ले सकते हो, ये आपको 46,990 रुपीज में मिलेगा। नेक्स्ट लैपटॉप ले सकते हो 50,000 के बजट के अंदर, ये है Honor MagicBook 16 2023। यहाँ पे आपको इंटेल का प्रोसेसर मिलेगा, इंटेल i5 12 जनरेशन 12450H पावरफुल प्रोसेसर मिलेगा, इंटेल के एक्सी ग्राफिक मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको ग्राफिक ओरिएंटेड काम भी आप एडिटिंग के टाइम में कर सकते हो, क्योंकि मैं खुद ये प्रोसेसर के साथ लैपटॉप यूज करता हूँ, मुझे पता है इस टाइप की वीडियो एडिट करने के लिए लैपटॉप परफेक्ट है। यहाँ पे आपको 16GB रैम मिलेगा, 512GB की SSD स्टोरेज मिलेगा, लेकिन इस लैपटॉप में आप रैम को और अपग्रेड नहीं कर सकते, तो ये चीज आप माइंड में पहले ही बिठा लीजिए। बाकी यहाँ पे बैकलाइट कीबोर्ड मिलेगा, 16 इंचेस का बड़ा डिस्प्ले मिलेगा, 1.7 kg के वेट के साथ मेटल डिजाइन के साथ आपको लैपटॉप मिल जाएगा। ऑल ओवर एक प्रीमियम लैपटॉप है, लेकिन इसके जो प्राइस है 51,990 रुपीज, बस 2,000 रुपए ज्यादा आगे है। तो अगर आप ले सकते हो तो ये लैपटॉप एक अच्छा है 50,000 रुपीज के रेंज में परचेस करने के लिए। और हाँ, सारे लैपटॉप के परचेस लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लाइन से मिलेगा। तो चलिए अब बात करते हैं जिनको 4K वीडियो एडिटिंग करना है अच्छी लेवल की, जिनको कलर ग्रेडिंग भी करनी है, प्रीमियम प्रो में यूज करना है, आफ्टर इफेक्ट यूज करना है, डावंची रिजॉल्व यूज करना है, इस टाइप के हैवी सॉफ्टवेयर जिनको यूज करना है, उनके लिए 60,000 रुपीज का बजट एक परफेक्ट बैलेंस बजट है। तो आप सबसे पहले ले सकते हो Asus Vivobook 16X 2023 मॉडल का लैपटॉप। इस लैपटॉप के अंदर आपको इंटेल i5 12 जनरेशन 12450H प्रोसेसर मिलेगा, प्लस डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड मिलेगा, NVIDIA RTX 2050 4GB का डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड मिलेगा। तो इन दोनों का जो परफॉर्मेंस मिलेगा बहुत अच्छा, बटर स्मूथ मिलेगा। 8GB रैम है, 512GB की SSD स्टोरेज है, यहाँ पे आप रैम एंड स्टोरेज अपग्रेड कर सकते हो। 16 इंचेस के डिस्प्ले के साथ फुल HD IPS डिस्प्ले मिल जाता है, 120Hz की रिफ्रेश रेट भी आपको डिस्प्ले में मिल जाता है, बहुत सारे फीचर्स के साथ PT पैक आपको ये लैपटॉप मिलता है 60,000 रुपीज में Asus की तरफ से। तो मस्ट लैपटॉप जाके चेक करो। नेक्स्ट लैपटॉप 60,000 में आप ले सकते हो, जिनको गेमिंग भी करनी है, वीडियो एडिटिंग भी करनी है, उनके लिए लैपटॉप है, ये है HP Victus गेमिंग सीरीज का लैपटॉप। यहाँ पे आपको दिखने वाला है AMD Ryzen 500 सीरीज 5600H प्रोसेसर मिलेगा, प्लस AMD का एक ग्राफिक कार्ड मिल जाएगा, AMD Radeon RX 6500M पावरफुल 4GB का ग्राफिक कार्ड मिलेगा। ये जो ग्राफिक कार्ड है RTX 1650 से ज्यादा पावरफुल है, तो आपको इस बजट में इतना पावरफुल ग्राफिक कार्ड मिलता है तो अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा। 16GB रैम है, 512GB की SSD स्टोरेज है, यहाँ पर भी आप अपग्रेड कर सकते हो, फ्यूचर में और भी अगर आपको नीड है तो कोई टेंशन की बात नहीं है। प्लस यहाँ पे आपको 144Hz की रिफ्रेश रेट मिल जाएगा, 15.6 इंच के डिस्प्ले के साथ बटरी स्मूथ 4K एडिटिंग कर सकते हो, यहाँ पे कलर ग्रेडिंग कर सकते हो, ग्राफिक डिजाइन जैसे काम कर सकते हो इजिली, और टाइम मिले तो गेमिंग भी कर सकते हो। तो ये लैपटॉप बहुत सही है, इसकी प्राइस है 58,990 रुपीज, तो अच्छे प्राइस में अच्छा लैपटॉप को मिलता है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके एक बार चेक करो। तो नेक्स्ट बजट उनके लिए जिनको 70,000 के बीच में लैपटॉप लेना है, जिनको 4K प्रो लेवल की एडिटिंग करनी है,
जिनको RTX 3050 के साथ पावरफुल ग्राफिक कार्ड का लैपटॉप चाहिए, उनके लिए मैं आपको लैपटॉप रिकमेंड करता हूँ। सबसे पहला Acer Nitro 5। यहाँ पे आपको सबसे पहले तो यहाँ पे फुल्ली गेमिंग स्ट्रक्चर के साथ आपको लैपटॉप मिलेगा। यहाँ पे आपको 144 हर्ट्ज की हाई रिफ्रेश रेट डिस्प्ले मिलेगा, 15.6 इंच का IPS डिस्प्ले, एंड इनके कलर्स जो है बहुत अच्छे आपको इस डिस्प्ले से मिलने वाले, तो कलर ग्रेडिंग के लिए लैपटॉप बहुत बेटर होगा। पावर की बात करें, इंटेल i5 12th जनरेशन 12450H पावरफुल प्रोसेसर मिलता है, एंड डेडिकेटेड RTX 3050 NVIDIA का ग्राफिक कार्ड मिल जाता है, तो उससे जो परफॉर्मेंस मिलेगा यार नेक्स्ट लेवल का मिलेगा। साथ ही में 16GB रैम है, 512GB की SSD स्टोरेज है, यहाँ पर भी हम अपग्रेड और भी कर सकते 24GB तक, कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपको RGB कलर का पूरा डिजाइन मिलेगा, सॉलिड मेटल डिजाइन का आपको लैपटॉप मिल जाएगा, और इसकी जो प्राइस है 70,990 रुपीज में, तो एक वैल्यू फॉर मनी लैपटॉप है। अगर आपको नेक्स्ट लेवल की एडिटिंग करनी है उनके लिए लैपटॉप बेस्ट है, जिनको आफ्टर इफेक्ट यूज करना है, डावन्शी रिजॉल्व यूज करना है, प्रीमियम प्रो यूज करना है, उनके लिए लैपटॉप सबसे बेस्ट यूज के लिए होगा, तो जाके एक बार चेक करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नेक्स्ट लैपटॉप मैं उनको रिकमेंड करता हूँ जिनका बजट 65,000 रुपीज से करीब है और उनको 4K नेक्स्ट लेवल की एडिटिंग करनी है, उनके लिए मैं रिकमेंड करता हूँ Asus VivoBook Pro 15। यहाँ पे आपको दिखने वाला है NVIDIA RTX 3050 का ग्राफिक कार्ड दिखेगा, साथ ही में AMD Ryzen 500 सीरीज 5600H प्रोसेसर मिल जाएगा, तो पावरफुल प्रोसेसर मिलेगा। यहाँ पर भी आप 4K मक्खन एडिटिंग कर सकते हो, प्लस यहाँ पे आपको सेम 16GB रैम दिखेगा, 512GB की SSD स्टोरेज है, यहाँ पर भी आप अपग्रेड कर सकते हो, 15.6 इंच का डिस्प्ले दिख जाता है, फुल HD IPS डिस्प्ले मिलेगा, बैकलिंक कीबोर्ड मिल जाएगा, एंड मेटल डिजाइन के साथ 1.8 की जिसके वेट के साथ आपको लैपटॉप दिखता है। इसकी जो प्राइस है नॉर्मल 65,000 रुपीज में आपको मिल जाता है, राइट नाउ 65,990 रुपीज में मिल रहा है, तो ये भी अच्छा चॉइस है। अगर आपको कम बजट में लेना है तो ये आपके लिए हो सकता है, चेक करो डिस्क्रिप्शन में सारे लैपटॉप के लिंक्स है। तो ये थे कुछ बेस्ट लैपटॉप जो आप एडिटिंग के लिए परचेस कर सकते हो, लेकिन अगर आपका बजट और भी ज्यादा है 80,000, 90,000 या फिर 1,00,000 रुपीज, इंशुलिन की जरूरत नहीं, उसके लिए मैंने डेडिकेटेड वीडियोस बना के रख दी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, नहीं तो आप हमारे चैनल में जाके चेक कर सकते हो बेस्ट लैपटॉप आपके बजट के हिसाब से, वहां पे मैंने पावरफुल लैपटॉप सेलेक्ट किए। कमेंट करके बताओ आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपका बजट एग्जैक्ट बजट क्या है लैपटॉप परचेस करने के लिए, जल्दी मैं आपके लिए वीडियो बना के दे दूंगा। साथ ही में ऐसे ही कमाल के वीडियोस के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करो एंड बेल को क्लिक करो। मेरा नाम इमरान है, आप देख रहे टेक इमरान, तो इस तरह से मैं फिर से हाजिर होगा, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना प्लीज ख्याल रखिए।